राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना गायक अमित सैनी रोहतकिया। तो भाई, कल जो मेरे किसान भाई पर जो एक गलत व्यवहार होया, मारपीट करी गई भाई, मैंने बड़ा दुखद एक घटना हो, तो उसके ऊपर भाई गाना लेकर के आया हूँ। एक भाई ने पोस्ट डाला कि तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो आपने पीछे देखा भाई, अमित सैनी रोहतकिया का, जिन्होंने बताया कि उनका एक नया गाना आने वाला है और जो कुरुक्षेत्र पीपली में हुआ किसानों के साथ, बहुत ही निंदनीय घटना। मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसान देश की रीढ़ है और अगर देश की रीढ़ पर वार किया जाएगा तो वास्तविकता में देश पर वार होगा। और अगर ये प्रदर्शन पर उतर गए, धरने पर उतर गए, तो फिर देश चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देश नेताओं से नहीं चलता, देश किसानों से चलता है, क्योंकि किसान जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो अमित सैनी रोहतकिया ने इस वीडियो में बताया कि वो एक गाना लेकर आ रहे हैं किसानों के ऊपर और बहुत जल्द ये गाना होगा। गाने की दो लाइनें सुनवा देता, लेकिन आपको पता है थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं कॉपीराइट वगैरह की, उस वजह से नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन गाना बहुत ही शानदार होने वाला है। गाने की रिलीजिंग डेट अभी तक अमित सैनी जी ने नहीं दी है, जैसे ही गाने की रिलीजिंग डेट वो देते हैं वैसे ही सबसे पहले अपडेट आपको मैं दे दूंगा। उसके लिए चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। और भावुक थे अमित सैनी कल जब ये बोल रहे थे किसानों के बारे में, और पहली बार मुझे लगा, जितने दिन से मैं जानता हूँ, जितने बार उनसे मिला हूँ, वो एक ज़िंदा दिल इंसान है यार। लेकिन कल वो मुझे भावुक दिखे बहुत ही, जैसे उनका दिल रो रहा था ऐसे वो लगे कल, क्योंकि किसी ने उन पर कटाक्ष किया था कि अब कहाँ गया अमित सैनी, अब गाने क्यों नहीं बना रहा। तो भाई, किसी के ऊपर ये बोलना गलत है यार, हर किसी को दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर बोलना नहीं चाहते कुछ लोग, जैसे मैं भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। वास्तविकता में बहुत ही निंदनीय घटना थी वो, और भाई यही कहेंगे कि जल्दी अमित सैनी का गाना आएगा और जो हुआ उस पर जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, पुलिस वालों पर जिन्होंने लाठीचार्ज किया है। और आपका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दें, अमित सैनी के गाने के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए हमारी पूरी टीम के साथ। राम राम, धन्यवाद दोस्तों।